ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अब हम कब बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है? तो हमारे ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बोल रहा है कि व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम, जब उस किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट के मोशन में है। सेकेंड ऑप्शन है व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अब वो टाइम के साथ उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही और विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, जो चीज रेस्ट पे है मतलब रुकी हुई है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है when its position change with respect to the stationary object, अब थर्ड में बोल रहे हैं जब उसकी क्या हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी, when its position change with respect to the stationary object, stationary object के related उसकी पोजीशन क्या चेंज हो रही है, मतलब एक चीज है वो क्या है रुकी हुई है और दूसरी चीज क्या है उससे with respect to stationary object वो चेंज हो रही है, मतलब पहले वो यहाँ है फिर वहां चली गई फिर वो यहाँ चली गई, लेकिन ये जो चीज है वो वहीं पर रुकी हुई है, तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन ठीक है यहाँ पर, ए ऑप्शन एंड द सी ऑप्शन बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पहला क्या बोल रहा था व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट चेंज विद टाइम, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन क्या है चेंज हो रही है, और थर्ड में वो बोल रहे हैं कि उसकी पोजीशन जो है किसी रुकी हुई चीज के विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन है कि हमारे ए और सी दोनों पार्ट क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट व्हेन, अब कोई बॉडी है जो रेस्ट पे है स्टेशनरी पोजीशन पे है कब है, कब बोल सकते हैं हम उसको कि वो स्टेशनरी जहाँ पे रेस्ट पर है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं वो बोल रहे हैं इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, अब उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, डज नॉट चेंज विद टाइम मतलब टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। नेक्स्ट है बॉडी मूव्स इन यूनिफॉर्म मोशन, अब ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि यहाँ पर कौन सा वर्ड आ गया मोशन, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। थर्ड है हमारा इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम और विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, अब पोजीशन उसकी चेंज हो रही है विद टाइम मतलब टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन क्या हो रही है वो चेंज हो रही है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीस, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, फर्स्ट ऑप्शन, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि उसकी पोजीशन जो है विद टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A man has covered a distance of 80 miles in 4 hours. एक बंदा है जो अपना 80 miles का distance 4 घंटे में cover कर रहा है. Calculate the speed of the bike. अब उसकी speed find करनी है उसकी bike की. तो हमें पता है distance का formula क्या होता है speed into time. लेकिन यहाँ पर हमने क्या निकाला है speed. तो speed का formula क्या होता है distance upon time. तो distance कितना है हमारा 80 divide कर दो time के साथ 4. तो यहाँ पर क्या आ गया कट करके 20. तो उसकी speed हमारे पास कितनी आ गई 20 miles per hour. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ साइकिल रेस अ साइक्लिस्ट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, एक साइकिल रेस है जिसमें जो साइक्लिस्ट है वो 2 किलोमीटर पर आवर के साथ वो क्या कर रहा है मूव कर रहा है और वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 किलोमीटर का, वो डिस्टेंस कवर करेगा 5 किलोमीटर, टू कैलकुलेट द टाइम विल ही नीड टू रीच हिज डेस्टिनेशन, मतलब उसका हमने क्या कैलकुलेट करना है, उसका हमने टाइम कैलकुलेट करना है, तो स्पीड हमारे पास गिवन है कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर की और डिस्टेंस कितना है उसका 5 किलोमीटर का, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि स्पीड उसकी 2 किलोमीटर पर आ रहे और डिस्टेंस वो कवर कर रहा है टाइम किलोमीटर 5 किलोमीटर का, तो हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 5 और स्पीड कितनी है 2, तो ये कट करके हमारे पास कितना आ जाएगा 2.5 आवर्स, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है 2.5 आवर डी ऑप्शन, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, The strength of the force is usually expressed by its. अब किसी भी force की जो strength होगी वो कैसे express की जाएगी, किसी भी चीज की strength, जैसे आपको बताया था कि आप science में जब भी हम magnitude पढ़ते हैं तो magnitude का मतलब क्या होता है quantity, मतलब किसी भी चीज की quantity के बारे में बात करना, तो यहाँ पर force की strength के बारे में बात कर रहे हैं, that means force की quantity की बात हो रही है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जब हम किसी चल रही हो मतलब कोई भी चीज है जो मोशन में, मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है
ये कार है हमारी, कोई टॉय कार मान लो, हमारे पास ये कोई टॉय कार है, वो चल रही है, इस डायरेक्शन में उसका मोशन है। अगर हम उसको सेम डायरेक्शन में उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी? ऑब्वियस है, हमें पता है कि अगर वो फॉरवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, कोई टॉय कार है, हम उसको पीछे से फिर से फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मतलब वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, कि जो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब किसी भी कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई कार है, कोई टॉय है, कुछ भी है, उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है, और बोथ या फिर वो दोनों इकट्ठे चेंज हो रहे हैं, इज डिस्क्राइब एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ। तो ये दोनों चीजें किस स्टेट में चेंज होगी, किसी भी चीज की जो स्पीड होगी वो भी और उसकी डायरेक्शन, दोनों चीजें कब चेंज होगी, वो जब वो चीज क्या होगी, मोशन में। तो इट इज डिस्क्राइब एज द चेंज इन इट्स द स्टेट ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हमारा क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो किसी भी चीज की स्पीड भी बढ़ सकती है, घट भी सकती है, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है तब, क्योंकि जब उस जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट कौन सी होगी, मोशन की स्टेट होगी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास फोर स्टेटमेंट दी हुई है, हमने यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पता करना है कि कौन सी है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में वो बोल रहे हैं कि अ फोर्स मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। तो ये तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है कि जो हमारा फोर्स क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव कर देगा। और फिर हमारे पास क्या है, फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ इट इज सीन मूविंग, मतलब स्पीड फोर्स क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा अगर वो मूव कर रहा है। नेक्स्ट है, तो ये भी हमारा क्या है, ठीक है, उसकी स्पीड को चेंज कर देगा। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि अगर हम कोई चल रही चीज के ऊपर और फोर्स लगाएंगे तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है हमारा, फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये भी हमारा ठीक है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। तो जो कोई भी चीज मोशन में होगी, हम उसके ऊपर कोई और फोर्स लगाएंगे तब उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकती है। तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है। तो फोर्थ एक बार देख लेते हैं, फोर्थ में वो क्या बोल रहे हैं, फोर्स डज नॉट चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन फोर्स हमारा जो क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास स्प्रिंग की एग्जांपल ले लो, स्प्रिंग पहले कुछ ऐसे टाइट सा होता है, अगर हम उसको दोनों तरफ से फोर्स लगा के पुल कर ले, मतलब दोनों तरफ से खींच दे, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे ब्रॉड हो जाएगा, मतलब फोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करता है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा, जो हमारा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ डैश इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। अब फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ, अब हमारे मस्कुलर फोर्स हमने कब मिलेगा हमें, अब हम यहाँ से पूछ रहे हैं कि फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ, मतलब किस चीज का एक्शन होगा, मतलब किस चीज के एक्शन को हम मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। तो ऑब्वियस हमें पता है, बोन्स को तो नहीं बोल सकते, जॉइंट्स को भी नहीं बोल सकते, तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, बी ऑप्शन, मतलब जब हमारे मसल्स का एक्शन होगा तभी हम बोलेंगे कि हमारा मस्कुलर फोर्स, मतलब हमारे मसल्स का फोर्स लग रहा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल्स टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। कोई भी चीजें हैं, कोई भी चीज टूटती है, जैसे मान लो फ्रूट्स हैं, हमारे फ्लावर्स हैं, जब भी वो टूटते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ ही गिरते हैं। हमारे हाथ से अगर कोई चीज गिर जाती है वो नीचे की तरफ ही जाती है, कभी ऊपर की तरफ नहीं जाती, तो वो किसकी वजह से होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से। तो ये तो हमें पता ही था, तो हमें यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हमारी सभी जो चीजें हैं वो कहाँ पर गिरती है, हमेशा नीचे की तरफ, अर्थ के टुवर्ड हमारी जो चीजें वो नीचे की तरफ गिरती है। थैंक यू।